ये इन्वेस्टमेंट समिट का मतलब क्या है? ये केवल निवेश नहीं है, इसका इसके पीछे का एक हेतु भी है। ये जो युवा डिग्री लेकर के आएगा, इसको नौकरी के लिए कहीं और जगह ना जाना पड़े, अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही लोगों के बीच उसके लिए नौकरी, रोजगार, स्टार्टअप स्थापित करने के लिए इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म सरकार उसको उपलब्ध कराने जा रही है। और आपने देखा होगा जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, जिसने निवेश किया था जो 6 वर्ष पहले, उसको भी समेट करके जा रहा था, आज परिणाम क्या है? मात्र 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिलते हैं। 38 लाख का मतलब 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के लिए सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के लिए और आप जैसे डिग्रीधारी नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। उस नौकरी की गारंटी के साथ सरकार आपके पास इस इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के आई थी और आज उसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। कई जैसे संस्थान आज न्यू एज कोर्सेज के साथ आगे बढ़ करके अपने युवाओं को तैयार कर रहे थे। मैं इस बात को देखता था, बहुत दिनों से मैं इस बात का इंतजार कर रहा था, बल्कि मैंने AKTU के कुलपति जी को इस बारे में कहा था। मैंने कहा हमें स्पेस साइंस का कोर्स भी प्रारंभ करना चाहिए। मेरी भारत सरकार की विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मेरी इस बारे में चर्चा हुई। मैंने कहा ये कोर्स दक्षिण भारत में है, अच्छा है, लेकिन उत्तर भारत के युवा भी उन्हें उत्तर भारत में ये सुविधा प्राप्त हो। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अतुल जी आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि स्पेस साइंस से संबंधित पाठ्यक्रम आपने यहाँ प्रारंभ किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी आज ढेर सारी संभावनाएं हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया ही भर जा रही है। इन नए कोर्सेज को हमें समय के अनुरूप लेना ही पड़ेगा और इससे भी 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। लोग क्या सोच रहे हैं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी मदद कर सकता है समाज की, हर एक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए हमें एक प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की एनओसी उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग और इस दिशा में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, आप याद करिए जब कुंभ जैसे बड़े आयोजन होते हैं, 2019 का कुंभ था और 2019 के कुंभ के दौरान 24 करोड़ श्रद्धालुओं का प्रयागराज में आना हमारे सामने एक चैलेंज था। कुंभ का मतलब भगदड़, अव्यवस्था, गंदगी, ये माना जाता था। हम लोगों ने कहा नहीं, इसकी परिभाषा बदलनी है। कुंभ का मतलब भव्य हो, कुंभ का मतलब दिव्यता हो, कुंभ का मतलब स्वच्छता हो, कुंभ का मतलब सुरक्षा हो, कुंभ का मतलब सुव्यवस्था हो। और इसको बदलने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे प्रभावी हो सकती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। हम लोगों ने इसके लिए ICCC की स्थापना की, 25 करोड़ लोग, 24 से 25 करोड़ श्रद्धालु आए, स्वच्छता जो आता था प्रभावित होकर जाता था। कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग एक सामान्य नागरिक को उसके जीवन को परिवर्तन करने के लिए दे सकते हैं। ड्रोन, अभी मैं देख रहा था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक किसान पेस्टिसाइड छिड़कता है हाथ से, अपने हाथ में लेकर के जहरीली दवा, सोचिए कि एक जहरीले कीड़े को मारने के लिए जिस दवा को वह छिड़क रहा है उसका दुष्प्रभाव उस पर भी तो पड़ेगा, और वह तमाम गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता था।
टेक्नोलॉजी नहीं थी, अपने हाथ से छिड़कने के लिए मजबूर होता था, बीमार हो जाता था, बेहोश हो जाता था, खेत में पड़ा रहता था। आज ड्रोन है 20 किलो का चैम्बर एक साथ भर करके ले जा सकता है और 10 मिनट में एक एकड़ खेती में पूरी पेस्टिसाइड को, पूरी केमिकल को छिड़क करके ला सकता है, बेहतरीन तरीके से एक समान रूप से छिड़क करके परिणाम दे सकता है। जिस कार्य को करने में एक व्यक्ति को घंटों लगते, उसको मात्र ड्रोन 10 मिनट में उस कार्य को संपन्न कर दे रहा है। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो गया, व्यक्ति की सुरक्षा भी कर दी गई और उसको आने वाले संभावित खतरों से भी बचा दिया गया। ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरीन उपयोग हो सकता है, सुरक्षा में बेहतरीन उपयोग हो सकता है, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने में टेक्नोलॉजी बेहतरीन उपयोग हो रही है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। लेकिन याद रखना, एक टेक्नोलॉजी मानव के द्वारा संचालित हो, मानव उससे संचालित न हो। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा, हम टेक्नोलॉजी के दास न बने, टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा संचालित हो और हम उस पर एकाधिकार प्राप्त करके उसको अपने अनुसार मानव कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, इस ऑफ लिविंग के लिए हम उसका उपयोग करें। मुझे लगता है कि यह आज की आवश्यकता है। दुनिया के जितने बड़े सीईओ हुए हैं, सब ने इस बात को हमेशा महसूस किया, टेक्नोलॉजी आवश्यक है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम अपने अनुरूप, अपने और समाज के अनुकूल बनाने का प्रयास करें, उसका गुलाम बनने का कभी प्रयास न करें। आज मैं देखता हूं अक्सर अपने युवाओं को, वह प्रतिभा से संपन्न है, ऊर्जा से उत्प्रोत है, उसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है। और वैसे ही नहीं कहा हमारे ऋषि मुनियों ने, उन्होंने इस बारे में हमेशा कहा कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, यानी कोई अयोग्य नहीं है और हमारा युवा तो भरपूर ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा से भरपूर है, जहां कहीं भी गया है दुनिया में उसने सफलता के नए झंडे गाड़े हैं, देश में भी दुनिया में भी। उस युवा के लिए आज के प्रपेक्ष में हम कौन सा कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं, ये आवश्यक है। और इसी से सरकार ने भी अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। हम स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं, तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके। लेकिन टैबलेट और स्मार्टफोन पाठ्यक्रम की दृष्टि है, पाठ्यक्रम के अनुकूल और शासन की योजनाओं की जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। दिन भर उसी टैबलेट स्मार्टफोन पे ही खर्च करने की बजाय हमें कुछ मैनुअली भी कार्य देखने का अभ्यास करना चाहिए। अक्सर होता क्या है, जब हम कैलकुलेटर के और अपने स्मार्टफोन के ज्यादा दास बनते हैं तो किसी दुकान में गए, किसी संस्थान में गए, वहां पे फिर जब जोड़ घटाना प्रारंभ होता है तब उसके सामने समस्या खड़ी होती है। इसलिए हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। आज की आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा संचालित हो, हम उसके द्वारा संचालित हो। हम रोबोट नहीं, मनुष्य रोबोट नहीं बन सकता। रोबोट को अपनी सुविधा के अनुसार संचालित करने की सामर्थ्य हमारे पास हमेशा बनी रहनी चाहिए और ताकत हमारे पास होनी चाहिए। दुनिया आज इस दिशा में सबसे ज्यादा चिंता दुनिया के सीईओज के सामने इसी बात को लेकर की है कि हम अब टेक्नोलॉजी को किस स्टेज तक और आगे बढ़ा सकते हैं। और काइट ने एक योग्य योजक के रूप में अपने साहित्य का निर्वहन किया है 25 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए। काइट परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज यहां डिग्री मिली है, बीटेक की भी, एमटेक की भी, बी फार्मा की भी, एम फार्मा की भी, एमसीए की भी, मैं देख रहा था उनके मन में एक जज्बा था। वे छात्र बहुत सारे यहां आ भी नहीं पाए, लेकिन हम छात्रों ने
अच्छा किया, काइट जैसे संस्थान से उन्होंने अपनी डिग्री ले ली और डिग्री लेकर के आज वे अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। करियर काउंसलिंग का भी एक संस्थान यहाँ पे यह संस्थान चला रहा है और करियर काउंसलिंग के माध्यम से बहुत सारे छात्रों का प्लेसमेंट हुआ होगा, बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप स्थापित करेंगे और प्रदेश में तो बहुत संभावनाएं हैं। हम एक फार्मा पार्क लेके आ रहे हैं, प्रदेश में फार्मा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, हर एक क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में हम डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का कार्य भी कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में प्रदेश कार्य कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ जुड़ करके हमें अपनी प्रतिभा का बेहतरीन मंच वहां पर हम शासन जहां आपको उपलब्ध कराएगा, वहीं साथ ही साथ अपनी प्रतिभा को जितना मेहनत कर सकते हैं उसके लिए आप करेंगे तो उसके परिणाम आपके लिए भी, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी होने चाहिए। याद रखना, हम सब कुछ करें लेकिन हमारे सामने हमेशा हमारा देश और हमारा समाज हमारी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले है, फिर समाज उसके बाद में आएगा, परिवार तब तीसरे नंबर पर और मेरा स्वयं का ही चौथे नंबर पर। जिस दिन इस लक्ष्य को लेकर के हम चलेंगे तो प्रधानमंत्री जी के विजन के लोग 2047 में भारत को दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे युवा शक्ति हमारे पास है, हमारे देश के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।